खबर भी मित्रा की है, जहां लगातार मवेशियों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है बिरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरता में गौठान में 7 मवेशियों की मौत हो गई। जैसे ही मामले की सूचना पूर्व विधायक अवधेश चंदेल को लगी, तो ग्रामीणों के साथ गौठान पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि जिस गौठान में मवेशियों को रखा जा रहा है, वहां ना तो उनके लिए चारे की कोई व्यवस्था है और ना ही पानी की, जिसके चलते इनकी मौतें हो रही हैं। नाराज पूर्व विधायक ने ग्रामीणों के साथ बेमित्रा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से मामले की शिकायत की है। वहीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जिला पंचायत CEO को जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव की लापरवाही के चलते यहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, जिसके चलते फिर से 7 मवेशियों की मौत हुई है। वहीं जिला पंचायत के CEO लीना मंडावी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मवेशी की मौत के बारे में बताया जाएगा। आज हम लोग आए थे, सुबह हमको सूचना मिली कि 7 मवेशी सरदा गौठान में मरा पड़ा है। हम वहाँ आए, हमारे आने से पहले वहाँ से 7 मवेशी को गौठान से बाहर कर दिया था। सरकार की कहना है कि ये महती योजना है, लेकिन ये योजना सिर्फ कागजी हो गया है। वहाँ हम जब पहुँचे तो ना मवेशी के पास कोई चारा था, मवेशी ऐसी 60-70 मवेशी ऐसी घूम रहे हैं इधर उधर, बैठा है, कीचड़ है। सरदा गौठान के संबंध में शिकायत मिली है और मैंने CEO जिला पंचायत को स्वयं उस मैटर को देखने कहा है और वो विगत कुछ दिवस पूर्व वहाँ गई भी थी। आज की घटना की जानकारी मिलने पर भी मैंने उनको इमीडिएटली खुद देख करके चीज़ें इंश्योर करने कहा।